हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र। आज हम गणित में पढ़ेंगे। कक्षा 8 से हमने एक टॉपिक लिया हुआ है कि क्लास 8 से स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर किसी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। किसी संख्या का, किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उसकी पावर जब 2 होती है किसी नंबर की, तो हम बोलते हैं 1 स्क्वायर, 1 की पावर 2 या 1 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते समय उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उसका स्क्वायर निकल के आता है। अब जैसे 1 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। दूसरा नंबर लेते हैं 2 स्क्वायर, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से 3 का स्क्वायर, 3 × 3, 3 × 3 = 9। 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 × 4 इज इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 × 5 इज इक्वल टू 25। तो इस प्रकार से हमें जिस किसी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है उसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका स्क्वायर निकल के आ जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने इसी प्रकार से 1 से लेकर के 1 to 20 हमने इनके स्क्वायर निकाल लिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज हमको कोई कॉमन नजर आ रही होगी कि अगर हम यहाँ बात करें यूनिट प्लेस की, इकाई का जो अंक है, यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट आ रहे हैं। यहाँ क्या आ रहा है, 1, यहाँ 4, यहाँ 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. इट मीन्स 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, ये डिजिट्स आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए 2 नहीं आ रहा है किसी के भी स्क्वायर में, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, तो ये नंबर ही हमारे स्क्वायर में आते हैं। एक चीज और, जैसे 1 का स्क्वायर यहाँ 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये जो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, जो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं, इनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। दीज ऑल कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, इफ कोई भी नंबर जो किसी दूसरे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। एक एग्जांपल एक और देखें, जैसे 1 और 4 के बीच में हमारा यह नंबर 2 भी रह गया, 3 भी रह गया, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। अब इनके बीच में जो नंबर्स हैं 9 to 16, इनके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इफ एनी नेचुरल नंबर विच इज स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जो किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होता है, लास्ट डिजिट होता है, वो 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इनमें से ही होगा। अगर इनमें से परफेक्ट ये डिजिट नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लें कि एक नंबर दिया हुआ है, मान लो 5, 4, 3, और हमसे पूछा जाए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप बता सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है, यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है, वो कितना है, 3 है, जबकि परफेक्ट स्क्वायर में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यही डिजिट्स आते हैं, इनमें से तो कोई डिजिट्स है नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो स्क्वायर निकालना आपको समझ में आया होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक और एग्जांपल है, सपोज दैट हमको निकालना है 25 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 25,
इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 625 आ गया। तो ये जो 625 है ये 25 का स्क्वायर है और ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। आपको समझ में आएगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब जैसा मैंने भी बताया 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये लास्ट डिजिट हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मस्ट भी, और अदरवाइज नहीं भी हो सकता। अब हम एक चीज और देखते हैं, वन हमारे जो नंबर्स होते हैं उनको हम ऑड इवन में डिवाइड कर देते हैं। अगर नंबर को ऑड इवन में डिवाइड किया जाए, वन कैसा है, ऑड है या इवन है, ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है वो कैसा है, ऑड नंबर है। अगर हम बात करें टू की, टू कैसा है, इवन नंबर है, इसका जो स्क्वायर आया है वो कैसा आया है, वो भी इवन नंबर आया है। थ्री क्या है, ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर ऑड नंबर आया हुआ है। फोर इवन नंबर है, इसका स्क्वायर इवन नंबर आया हुआ है। फाइव ऑड है, इसका स्क्वायर ऑड आया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि यदि हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर ही आता है, और यदि हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर ही आता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसी ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड नंबर ही होगा और इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन नंबर ही होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर अभी मैंने आपको बताए थे, यदि हम दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लेफ्ट हो जाते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनके बारे में देखते हैं। जैसे पहला हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 और अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या है 4। अब इन दोनों के बीच में कौन से नंबर्स छूट गए हमारे, 2 और 3, ये नंबर्स छूट गए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 4 से आगे क्या आता है, 9। 4 और 9 के बीच में जो नंबर छूट गए वो भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं, वो कौन कौन से नंबर छूट गए हमारे, 5 छूट गया, 6, 7 और 8, ये नंबर छूट गए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर आगे और देखते हैं, 9 के बाद है हमारा 16, तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर छूट गए हमारे, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इसी प्रकार से 16 और 25 के बीच में जो नंबर्स हमारे ड्रॉप हुए हैं, देर आर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। अब एक चीज और ध्यान देते हैं हम, 1 का स्क्वायर और इसी रो में 2 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में ये नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में ये नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में ये नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनमें कोई रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, क्या रिलेशन है वो देखते हैं हम। यहां पे 1 का स्क्वायर, 1 की जगह अगर हम n ले लें, n का स्क्वायर और उससे अगले वाला यानी n+1 का स्क्वायर, ये n हो गया, n से 1 आगे n+1 हो गया, ये 1 का स्क्वायर। अब इनके बीच में यहाँ 1 था, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, 2, 1 × 2 = 2, यहाँ 2 का स्क्वायर लिया, 2 का दुगना कितना होता है 4, 4 नंबर्स हमारे यहाँ लेफ्ट हो रहे हैं। यहाँ क्या है 3, 3 का दुगना कितना होगा 6, यहाँ पे हमारे कितने नंबर्स ड्रॉप हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ये 4 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा। इनके बीच में कितने नंबर्स ड्रॉ होने चाहिए, 4 × 2 = 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इट मींस इनके बीच में जो नंबर्स हमारे छूट जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, वो कितने होते हैं, 2n। अगर जैसे आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जैसे सपोज दैट कि 121 एंड 141, 121 11 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं सबसे छोटा कौन सा हमारा 11, 11 के बाद क्या है 12, तो 11 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 × 2 = 22, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स छूटे हुए हैं, 22 नंबर छूटे हुए, 22 नंबर छूटे हुए हैं, तो हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा,
अभी मैं आपको लिए कुछ होमवर्क के तौर पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। देखिए ये आपका होमवर्क है, इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको 20 से लेकर के 50 तक जितने भी नंबर्स हैं सभी के स्क्वायर निकालने हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स विल बी बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स है 48 का स्क्वायर एंड 49 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 2 का मल्टीप्लाई करके, जैसे 48 का स्क्वायर है छोटा वाला नंबर लेंगे 48, 48 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 टू जा कितना हो 96। तो इन दोनों के बिटवीन कितने नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे 96। इसी प्रकार से आपको 35 का स्क्वायर एंड 36 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको करने हैं। द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर और इवन नंबर। इन नंबर्स में जो आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं इनमें कौन सा ऑड नंबर का स्क्वायर है, कौन सा इवन नंबर का स्क्वायर है, वो आपको बताना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है उसके वो खुद एक ऑड नंबर होता है, और इवन नंबर का स्क्वायर खुद इवन नंबर्स होता है। तो आप इसी प्रकार से इनमें ऑड और इवन नंबर के स्क्वायर छांटेंगे। अच्छा विद्यार्थियों, मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में आपको जो भी कक्षाएं आपकी संचालित की गई हैं, जो भी वीडियोज आपके ग्रुप्स पर डाले गए हैं, जो होमवर्क आपको दिया जाता है आप उस होमवर्क को कंप्लीट नहीं करते हैं और उसके फोटोज भी ग्रुप्स में नहीं भेज रहे हैं, जिससे क्या है कि जो कम्युनिकेशन, जो कॉन्टैक्ट आपका और हमारा बनाना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। तो आप कार्य को करें और उस कार्य के फोटोज खींच के ग्रुप पे अवश्य डालें। इस काम को आप फेयर कॉपी में करके चलें, फेयर कॉपियाँ आपकी चेक होंगी, इसीलिए आप इसको करते चलें। धन्यवाद।